खुद को साबित करने का समय है। ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? इट इज टाइम टू प्रूव योर सेल्फ, इट इज टाइम टू प्रूव योर सेल्फ। इस तरह के सेंटेंसेस में हम पहले बोलेंगे इट इज टाइम। नेक्स्ट है, ऐसे लोगों को रोकने का समय है। इट इज टाइम टू स्टॉप सच पीपल, इट इज टाइम टू स्टॉप सच पीपल। मीन्स ऐसे लोगों को रोकने का समय है। कुछ पैसे लगाने का समय है। इट इज टाइम टू इन्वेस्ट सम मनी, इट इज टाइम टू इन्वेस्ट सम मनी। मीन्स कुछ पैसे लगाने का समय है। कुछ नया शुरू करने का समय है। इट इज टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू, इट इज टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। मीन्स कुछ नया शुरू करने का समय है। शादी करने का समय है। इट इज टाइम टू गेट मैरिड, इट इज टाइम टू गेट मैरिड। मीन्स शादी करने का समय है। कुछ बोलने का समय है, कुछ बोलने का समय है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है, वो अलग बात है कि मुझे सब पता है। कैसे बोलेंगे? दैट्स अ डिफरेंट मैटर दैट आई नो एवरीथिंग, दैट्स अ डिफरेंट मैटर दैट आई नो एवरीथिंग। मीन्स वो अलग बात है कि मुझे सब पता है। इस तरह वाले सेंटेंसेज में जहाँ पर भी बोल रहे हैं कि वो अलग बात है, वहाँ पर हम बोलेंगे दैट्स अ डिफरेंट मैटर। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो अलग बात है कि मैं अपना सारा पैसा लगा चुका हूँ। कैसे बोलेंगे? दैट्स अ डिफरेंट मैटर दैट आई हैव इन्वेस्टेड ऑल माई मनी, दैट्स अ डिफरेंट मैटर दैट आई हैव इन्वेस्टेड ऑल माई मनी। मीन्स वो अलग बात है कि मैं अपना सारा पैसा लगा चुका हूँ। वो अलग बात है कि हर कोई आपके बारे में जानता है। दैट्स अ डिफरेंट मैटर दैट एवरी वन नोज अबाउट यू, दैट्स अ डिफरेंट मैटर दैट एवरी वन नोज अबाउट यू। मीन्स वो अलग बात है कि हर कोई आपके बारे में जानता है। वो अलग बात है कि हम आपस में बात नहीं करते। कैसे बोलेंगे? दैट्स अ डिफरेंट मैटर दैट वी डोंट टॉक टू ईच अदर, दैट्स अ डिफरेंट मैटर दैट वी डोंट टॉक टू ईच अदर। मीन्स वो अलग बात है कि हम आपसे बात नहीं करते। वो अलग बात थी कि वह चुप था। दैट वॉज अ डिफरेंट मैटर दैट ही वॉज साइलेंट, दैट वॉज अ डिफरेंट मैटर दैट ही वॉज साइलेंट। मीन्स वो अलग बात थी कि वह चुप था। आपको मुझे यहीं और अभी जवाब देना होगा। यहीं और अभी को हम इंग्लिश में बोलते हैं हेयर एंड नाउ, और कंप्लीट सेंटेंस को हम बोलेंगे यू हैव टू आंसर मी हेयर एंड नाउ, यू हैव टू आंसर मी हेयर एंड नाउ। मीन्स आपको मुझे यहीं और अभी जवाब देना होगा। यू हैव टू आंसर मी हेयर एंड नाउ। मैं यहीं और अभी इस्तीफा देता हूँ। आई रिजाइन राइट हेयर एंड नाउ, आई रिजाइन राइट हेयर एंड नाउ। मीन्स मैं यहीं और अभी इस्तीफा देता हूँ। आई रिजाइन राइट हेयर एंड नाउ। हम इस समस्या को यहीं और अभी हल करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम राइट हेयर एंड नाउ, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम राइट हेयर एंड नाउ। मीन्स हम इस समस्या को यहीं और अभी हल करने जा रहे हैं। We are going to solve this problem right here and now. मैं सोच रहा हूँ कि क्या आप मेरे साथ डिनर करना चाहेंगे? I wonder if you would like to have dinner with me. I wonder if you would like to have dinner with me. Means मैं सोच रहा हूँ कि क्या आप मेरे साथ डिनर करना चाहेंगे? I wonder if you would like to have dinner with me. मैं सोचता हूँ कि क्या कल बारिश होगी? I wonder if it will rain tomorrow. I wonder if it will rain tomorrow. Means मैं सोचता हूँ कि क्या कल बारिश होगी? I wonder if it will rain tomorrow. मैं सोचता हूँ कि क्या वह मुझे पसंद करती है? I wonder whether she likes me. I wonder whether she likes me. मैं सोचता हूँ कि क्या वह मुझे पसंद करती है? I wonder whether she likes me.
आगे चलने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू मूव ऑन। इट्स टाइम टू मूव ऑन मीन्स आगे चलने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू मूव ऑन। होमवर्क पूरा करने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू कंप्लीट द होमवर्क। इट्स टाइम टू कंप्लीट द होमवर्क मीन्स होमवर्क पूरा करने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू कंप्लीट द होमवर्क। यह पार्टी का आनंद लेने का समय है। इट्स टाइम टू एंजॉय द पार्टी। इट्स टाइम टू एंजॉय द पार्टी मीन्स ये पार्टी का आनंद लेने का समय है। इट्स टाइम टू एंजॉय द पार्टी। ये सारा सेंटेंस सीखने के बाद एक क्वेश्चन आपके लिए भी है। आपको ये बताना है कि एक नया सबक सिखाने का समय आ गया है। इस कंप्लीट सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तुमसे बात करना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्शन टू टॉक टू यू। इट इज़ माई कंपल्शन टू टॉक टू यू मीन्स तुमसे बात करना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्शन टू टॉक टू यू। उस कंपनी में काम करना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्शन टू वर्क इन दैट कंपनी। इट इज़ माई कंपल्शन टू वर्क इन दैट कंपनी मीन्स उस कंपनी में काम करना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्शन टू वर्क इन दैट कंपनी। आपके साथ रहना उसकी मजबूरी है। इट इज़ हर कंपल्शन टू बी विद यू। इट इज़ हर कंपल्शन टू बी विद यू मीन्स आपके साथ रहना उसकी मजबूरी है। इट इज़ हर कंपल्शन टू बी विद यू। कैसा लगा उससे मिलकर। हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर मीटिंग हर। हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर मीटिंग हर मीन्स कैसा लगा उससे मिलकर। हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर मीटिंग हर। कैसा लगा उससे बात करके। हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर टॉकिंग टू हिम। हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर टॉकिंग टू हिम मीन्स कैसा लगा उससे बात करके। हाउ डिड यू फाइंड आफ्टर टॉकिंग टू हिम। कैसा लगा हमारा नया घर। हाउ डिड यू फाइंड अवर न्यू हाउस। हाउ डिड यू फाइंड अवर न्यू हाउस मीन्स कैसा लगा हमारा नया घर। हाउ डिड यू फाइंड आवर न्यू हाउस। कैसा लगा मेरा मजाक। हाउ डिड यू फाइंड माई जोक। हाउ डिड यू फाइंड माई जोक मीन्स कैसा लगा मेरा मजाक। हाउ डिड यू फाइंड माई जोक। कैसा लगा मेरा नया फोन। हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू फोन। हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू फोन मीन्स कैसा लगा मेरा नया फोन। हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू फोन। मैं बस यहाँ पहुँचने ही वाला हूँ। आई एम जस्ट अबाउट टू रीच देयर। आई एम जस्ट अबाउट टू रीच देयर मीन्स मैं बस वहाँ पहुँचने ही वाला हूँ। आई एम जस्ट अबाउट टू रीच देयर मैं बस घर पहुँचने ही वाला हूँ। आई एम जस्ट अबाउट टू रीच द होम। आई एम जस्ट अबाउट टू रीच द होम मीन्स मैं बस घर पहुँचने ही वाला हूँ। आई एम जस्ट अबाउट टू रीच द होम मैं बस उसे कॉल करने ही वाला हूँ। आई एम जस्ट अबाउट टू कॉल हिम। आई एम जस्ट अबाउट टू कॉल हिम मीन्स मैं बस उसे कॉल करने ही वाला हूँ। आई एम जस्ट अबाउट टू कॉल हिम मैं बस खाना खाने ही वाला हूँ। आई एम जस्ट अबाउट टू हैव द फूड। आई एम जस्ट अबाउट टू हैव द फूड मीन्स मैं बस खाना खाने ही वाला हूँ। आई एम जस्ट अबाउट टू हैव द फूड मैं बस उससे मिलने ही वाला हूँ। आई एम जस्ट अबाउट टू मीट हिम। आई एम जस्ट अबाउट टू मीट हिम मीन्स मैं बस उससे मिलने ही वाला हूँ। आई एम जस्ट अबाउट टू मीट हिम। आप किसी डॉक्टर से कम नहीं हैं। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डॉक्टर। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डॉक्टर मीन्स आप किसी डॉक्टर से कम नहीं हैं। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डॉक्टर। आप किसी शिक्षक से कम नहीं हैं। शिक्षक को इंग्लिश में बोलते हैं टीचर। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ टीचर। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ टीचर मीन्स आप किसी शिक्षक से कम नहीं हैं। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ टीचर। आप किसी शैतान से कम नहीं हैं।
यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डेविल, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डेविल मीन्स आप किसी शैतान से कम नहीं हैं, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डेविल, आप किसी भगवान से कम नहीं हैं मेरे लिए, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ गॉड फॉर मी, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ गॉड फॉर मी मीन्स आप भगवान से कम नहीं हैं मेरे लिए, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ गॉड फॉर मी। और अगर बोलना हो कि आप मेरे लिए भाई से कम नहीं हो तो कैसे बोलेंगे, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ माई ब्रदर फॉर मी, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ अ माई ब्रदर फॉर मी मीन्स आप मेरे लिए मेरे भाई से कम नहीं हो, यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ माई ब्रदर फॉर मी। मैं मोबाइल खरीदने के मूड में हूँ, आई एम इन अ मूड ऑफ बाइंग अ मोबाइल, आई एम इन अ मूड ऑफ बाइंग अ मोबाइल मीन्स मैं मोबाइल खरीदने के मूड में हूँ, आई एम इन अ मूड ऑफ बाइंग अ मोबाइल। मैं पढ़ने के मूड में हूँ, आई एम इन द मूड ऑफ रीडिंग, आई एम इन द मूड ऑफ रीडिंग मीन्स मैं पढ़ने के मूड में हूँ, आई एम इन अ मूड ऑफ रीडिंग। मैं लड़ने के मूड में हूँ, आई एम इन द मूड ऑफ फाइटिंग, आई एम इन द मूड ऑफ फाइटिंग मीन्स मैं लड़ने के मूड में हूँ, आई एम इन द मूड ऑफ फाइटिंग। मैं सोने के मूड में हूँ, आई एम इन द मूड ऑफ स्लीपिंग, आई एम इन द मूड ऑफ स्लीपिंग मीन्स मैं सोने के मूड में हूँ, आई एम इन द मूड ऑफ स्लीपिंग। मैं खेलने के मूड में हूँ, आई एम इन द मूड ऑफ प्लेइंग, आई एम इन द मूड ऑफ प्लेइंग मीन्स मैं खेलने के मूड में हूँ, आई एम इन द मूड ऑफ प्लेइंग। पढ़ने के बाद मैं टीवी देखूँगा, आफ्टर रीडिंग आई विल वॉच टीवी, आफ्टर रीडिंग आई विल वॉच टीवी मीन्स पढ़ने के बाद मैं टीवी देखूँगा, आफ्टर रीडिंग आई विल वॉच टीवी। तुमसे मिलने के बाद मैं घर जाऊँगा, आफ्टर मीटिंग यू आई विल गो होम, आफ्टर मीटिंग यू आई विल गो होम मीन्स तुमसे मिलने के बाद मैं घर जाऊँगा, आफ्टर मीटिंग यू आई विल गो होम। खेलने के बाद मैं स्कूल जाएगा, After playing, he will go to school. After playing, he will go to school. Means खेलने के बाद वह स्कूल जाएगा. After playing, he will go to school. खाना खाने के बाद मैं सोऊंगा. After having food, I will sleep. After having food, I will sleep. Means खाना खाने के बाद मैं सोऊंगा. After having food, I will sleep. मन करता है उससे बात करूं, I feel like talking to her, I feel like talking to her means मन करता है उससे बात करूं, I feel like talking to her। मन करता है उसे कॉल करूं, I feel like calling her, I feel like calling her means मन करता है उसे कॉल करूं, I feel like calling her। मन करता है तुमसे मिलूं, आई फील लाइक मीटिंग यू, आई फील लाइक मीटिंग यू मीन्स मन करता है तुमसे मिलूं, आई फील लाइक मीटिंग यू। कुछ खाने के लिए ले लो, गेट समथिंग टू ईट, गेट समथिंग टू ईट मीन्स कुछ खाने के लिए ले लो, गेट समथिंग टू ईट। मैं उसे काबू नहीं कर सकता, आई कांट कंट्रोल हिम, I can't control him means मैं उसे काबू नहीं कर सकता, I can't control him। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, You are such a nice person, You are such a nice person means तुम बहुत अच्छे इंसान हो, You are such a nice person। Guys, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।